Dear students, you know that plants and animals are an integral part of our life. Without them, we can't survive. How to take care of them is a very, very important part. In this chapter, only this aspect has been highlighted. हम अपने प्लांट्स और एनिमल्स का कंजर्वेशन करें उनको बनाए रखें ताकि वो विलुप्त ना हो आई एम गोइंग टू डिस्कस टेक्सुअल क्वेश्चन आंसर इन एनसीईआरटी बुक अभी इस क्वेश्चन को मैंने इसमें डिस्कस किया है उन्हें एक्सप्लेन किया है सो वॉच द वीडियो टिल द एंड टू गेट आंसर्स ऑफ ऑल द क्वेश्चंस क्वेश्चन नंबर वन इज फिल इन द ब्लैंक्स a place where animals are protected in their natural habitat, वो जगह जहाँ पर animals को उनके natural habitat habitat होता रहने की जगह पे सुरक्षित किया जाता है, उसे कहते हैं sanctuary. Species found only in a particular area species का मतलब है प्रजातियाँ, varieties. जो किसी पर्टिकुलर एरिया में पाए जाने वाली प्रजातियां होती हैं, उन्हें एंडेमिक के नाम से जाना जाता है माइग्रेटरी बर्ड्स जो एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर जाती हैं, फ्लाई टू फार अवे प्लेसेस, वो दूर दूर की जगहों तक उड़ के जाती चेंजेस क्लाइमेट के चेंज की वजह से क्वेश्चन नंबर टू डेफरशिएट बिटवीन द फॉलोइंग डेफरशिएट बना है डिफरेंट से ये वर्क फॉर्म है इसका मतलब होता है उनका अंतर बताइए डिफरेंस बताइए लाइफ सेंचुरी में और बायोस्फियर रिजर्व में क्या फर्क होता है चलिए देखते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज एन एरिया विद इन विच एनिमल्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम पॉसिबल डेंजर्स वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वो एरिया होता है जिसमें एनिमल्स को जो भी संभावित खतरे हो सकते हैं उनसे बचाया जाता है जैसे कि हंटिंग देयर है ऐसी प्लेस पर उनकी जो रहने की जगह होती है उसको सुरक्षित रखा जाता है बायोस्फियर रिजर्व क्या होता है लार्ज प्रोटेक्टेड एरिया ये बहुत बड़ा एरिया होता है कंस्ट्रक्टेड फॉर द कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी जो किसी जगह की विभिन्नता है बायोडाइवर्सिटी है बायो का मतलब होता है लाइफ डाइवर्सिटी का मतलब होता है विभिन्नता यानी कि जितने भी प्रकार के क्रिएचर्स हैं सबको ही बचाने के लिए कंजर्व करने के लिए इस एरिया को बनाया जाता है और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी प्रोवाइड प्रोटेक्शन एंड सुटेबल लिविंग कंडीशन टू वाइल्ड एनिमल्स वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में जो भी वाइल्ड एनिमल्स होते हैं उन्हें सुरक्षा दी जाती है प्रोटेक्शन दिया जाता है और साथ में रहने के लिए उपयुक्त कंडीशन भी दी जाती है लेकिन बायोस्फीयर रिजर्व में हेल्थ इन द कंजर्वेशन ऑफ वेरियस लाइफ फॉर्म्स इसमें जितनी भी लाइफ फॉर्म्स हैं चाहे वो प्लांट्स हो एनिमल्स हो माइक्रो ऑर्गेनिज्म छोटे छोटे जो लिविंग बींग्स होते हैं सबको ही प्रोटेक्शन दिया जाता है कंजर्व किया जाता है अब बताने आपको डिफरेंस जू में और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में जूज आर स्मॉलर प्लेसेस जूस छोटी जगह होती हैविंग सम एनिमल्स वहां पे केवल कुछ एनिमल्स होते हैं प्रोटेक्टेड फॉर पब्लिक व्यू और उनको पब्लिक ताकि उन्हें देख सके इसलिए सुरक्षित करके रखा जाता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बड़े प्लेसेस होते हैं लार्जर प्लेसेस होते हैं हैविंग वाइल्ड एनिमल्स इन देयर नेचुरल हैबिटेट और वहां पर वाइल्ड एनिमल्स को उनके जो भी नेचुरल रहने की जगह होती है वहीं पे रखा जाता है जो आर्टिफिशियल हैबिटेट होता है वो नेचुरल नहीं होता वो बनाया जाता है और जबकि जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होती है कंजर्व द नेचुरल हैबिटेट ऑफ एनिमल्स, जो उनकी नेचुरल रहने की जगह है उसी को कंजर्व किया जाता है मेंटेन किया जाता है जू प्रोवाइड प्रोटेक्शन ओनली जू में केवल एनिमल्स को प्रोटेक्शन मिलता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी प्रोवाइड प्रोटेक्शन एंड सुटेबल लिविंग कंडीशन टू वाइल्ड एनिमल्स वो प्रोटेक्शन के साथ साथ उन्हें सुटेबल लिविंग कंडीशन भी देती है अब बताना है हैं एनडेंजर्ड यानी जिनका जीवन डेंजर में है खतरे में है एक्सटिंक्ट और जो खत्म हो चुके जिनका अब नामो निशान नहीं है ऐसे स्पीसीज के बारे में एनडेंजर्ड स्पीसीज यानी कि वो स्पीसीज जिनका लाइफ खतरे में है इट इज ए पॉपुलेशन ऑफ स्पीसीज ये उन स्पीसी की पॉपुलेशन है दैट इज ऑन द वर्ल्ड ऑफ बिकमिंग एक्सटिंग जो कि बिल्कुल खत्म एक्सटिंग का मतलब होता है समाप्त विलुप्त यानी कि बिल्कुल ही खत्म हो जाना उसके कगार पर है आप जो एक्सटिंक्ट स्पीसीज होते हैं वो कौन से होते हैं इट इज ए पॉपुलेशन ऑफ स्पीसीज एग्जिस्ट no जो अब है ही नहीं बहुत सारे एनिमल्स और बर्ड्स ऐसे है जिनके बस हमें नाम ही पता है पिक्चर में ही देखते हैं उनमें से एक भी नहीं बचाज एक्सटिंग वो बिल्कुल खत्म हो गया स्पीसीज ब्लूवेल टाइगर लेपर्ड एक्सेट्रा आर एग्जाम्पल्स ऑफ इनडेंजर्ड स्पीसीज ये बहुत कम बचे हैं तो ये इनडेंजर्ड स्पीसीज है कि जीवन खतरे में है सुरक्षा की तो सारे खत्म हो जाएंगे एक्सटिंक्ट स्पीसी डोडो पैसेंजर पीजन एक्सेट्रा आर एग्जाम्पल ऑफ एक्सटिंग खत्म हो चुके हैं अब फ्लोरा और फोना का फर्क बताना है फ्लोरा इट रेफर्स टू ऑल लिविंग प्लांट्स ये जितने भी प्रकार के प्लांट्स हैं इन ए पर्टिकुलर एरिया उनके लिए यूज होता है फोना इट रेफर टू ऑल एनिमल्स लिविंग इन ए पर्टिकुलर एरिया जो किसी एरिए में जितने भी एनिमल्स रहते हैं उनके लिए ये वर्ड प्रयोग होता है साल टीक मैंगो एक्सेट्रा फॉर्म द फ्लोरा ऑफ पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व जो पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व है वहां पर साल टीक और मैंगो ये ट्रीज है फोना लेपर्ड वुल्फ वाइल्ड डॉ एक्सेट्रा फॉर्म द फोना ऑफ पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व ये वहां के एनिमल्स हैं डिस्कस द इफ़ेक्ट्स ऑफ डिफॉरस्टेशन ऑन द फॉलोइंग डी लगाने से हो गया फॉरेस्ट को खत्म करना तो डिफॉरेस्टेशन का क्या प्रभाव पड़ेगा अलग अलग कुछ चीजें दी हैं उन पे आपको बताना है अब वाइल्ड एनिमल्स पे क्या फर्क पड़ेगा अगर जंगल खत्म हो गए वेन फॉरेस्ट आर कट जब फॉरेस्ट को काटा जाता है

इसकी वजह से बहुत सारे एनिमल्स बिल्कुल विलुप्त होने के कगार पर आ गए हैं अब एनवायरमेंट पे क्या फर्क पड़ेगा अगर डिफोरेस्टेशन होगा जंगल कटेंगे तो एनवायरमेंट इज एडवर्सली अफेक्टेड बाय डिफोरेस्टेशन। डिफोरेस्टेशन से एनवायरमेंट पे बहुत खराब असर पड़ता है एज इकोलॉजिकल बैलेंस इज डिस्टर्ब क्योंकि तो जो इकोलॉजिकल बैलेंस है वो गड़बड़ा जाता है कार्बन डाइऑक्साइड इज नॉट एब्जोर्ब बाय प्लांट्स प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड को सोख नहीं पाते एब्सॉर्व नहीं कर पाते अंदर नहीं ले पाते अपने इट गेट्स एकटेड इन द एटमोसफियर इसलिए वो एटमोसफेयर में बनी रहती है इकट्ठी हो जाती है वहां पर टू कोज ग्लोबल वार्मिंग जिससे ग्लोबल वार्मिंग यानी कि पूरी दुनिया भर में गर्मी हो जाती है ज्यादा विच इंक्रीजेज द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ जिससे पूरी अर्थ का टेम्परेचर बढ़ जाता है एंड डिस्टर्ब वाटर साइकिल और वाटर साइकिल भी डिस्टर्ब हो जाती है विलेजेस यानी जो रूरल एरियाज हैं, गांव के इलाके हैं उन पे क्या फर्क पड़ता है डिफोरेस्टेशन लीड टू सॉइल इरोजन इरोजन होता है कटाव के डिफोरेस्टेशन से भूमि का कटाव बढ़ जाता है यानी कि मिट्टी बहके जाने लगती है जब पेड़ नहीं होते एंड रिजल्ट इन फ्लैश फ्लड जिसे बाढ़ आती है क्योंकि अगर पानी पेड़ों ने सोख लिया मिट्टी ने सोख लिया तो क्या होगा पानी एकदम नहीं बहेगा और जब ट्रीज ही नहीं होंगे तो जितना पानी ऊपर से गिरा वो तुरंत बह के चला जाएगा किसी जिस जगह भी जाएगा वहां बाढ़ बन जाएगा दिस हेम्पर्स एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज इससे जो खेती की एक्टिविटीज है एग्रीकल्चर की वो प्रभावित होती है हेम्पर्स का मतलब होता है बाधित होना एंड डिस पीपल इन रूरल एरिया ऐसे गांव के लोग भी डिस्टर्ब हो जाते हैं सिटीज पे क्या फर्क पड़ता है सिटीज एक कहते हैं अर्बन एरिया डिफोरेस्टेशन इन सिटीज कैन इंक्रीज द रिस्क ऑफ मैनी नेचुरल कैलामिटीज कैलामिटीज का मतलब क्या होता है डिजास्टर डिजास्टर यानी के आपदाएं डिफोरेस्टेशन से शहरों में नेचुरल डिजास्टर नेचुरल कैलामिटीज आपदाओं का संकट बढ़ जाता है जैसे कि फ्लड है ड्रॉट ड्रॉट का मतलब क्या होता है सूखा यानी कि बारिश ही नहीं आती पानी नहीं होता जमीन सूख जाती है बिल्कुल उसमें फिर कुछ ग्रो ही नहीं होता है पूरी अर्थ पे क्या प्रभाव पड़ता है द होल अर्थ इज फुल ऑफ वेरियस इकोसिस्टम अर्थ पे बहुत सारे इकोसिस्टम है विच टूगेदर मेक द बायोस्फियर जिससे जिन सबको मिला के बायोस्फियर बनता है डिफॉरिस्टेशन डिस्टर्ब द बैलेंस इन दियर डिफोरेस्टेशन से बायोस्फीयर में बैलेंस गड़बड़ा जाता है इट डिस्टर्ब क्लाइमेटिक पैटर्न इससे क्लाइमेट भी डिस्टर्ब हो जाती है यानी कि जब रेन आनी चाहिए तो रेन नहीं आएगी और जिस समय आ, बिल्कुल ड्राई होना चाहिए उस समय रेन रेन आएगी तो सारी एग्रीकल्चर लोग सब डिस्टर्ब हो जाता है द नेक्स्ट जनरेशन इससे आने वाली पीढ़ियां कैसे प्रभावित होगी दे विल नॉट बी एबल टू सी वाइड वेराइटी जो हमारे धरती पर इतनी विभिन्न फ्लोरा प्लांट्स एनिमल्स हैं आने वाली पीढ़ियां उन्हें देख ही नहीं पाएंगी ऑल्सो नॉट गेट क्लीन एंड कूल एनवायरमेंट ना उन्हें साफ सुथरा एनवायरमेंट मिलेगा दे विल हैव टू पॉइजनस गैस उन्हें जहरीली गैस में सांस लेना पड़ेगा लाइफ वुड बी वेरी डिफिकल्ट फॉर द नेक्स्ट जनरेशन आने वाली जनरेशन के लिए लाइफ बहुत बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा विल क्या होगा इफ वी गो ऑन कटिंग ट्रीज अगर हम ट्रीज काटते रहेंगे अर्थ विल लूज इट स्टॉप फर्टाइल सॉयल लेयर तो धरती से जो ऊपर की फर्टाइल उपजाऊ सॉयल की लेयर है वो खत्म हो जाएगी And get converted into desert, वो रेगिस्तान में बदल जाएंगे एंड फ्लड एंड ड्रॉट विल बिकम मोर फ्रीकेंट और जो फ्लड है ड्रॉट है वो और जल्दी जल्दी आने लगेंगे वाइल्ड लाइफ विल ऑल्सो भी अफेक्टेड और जो वाइल्ड लाइफ है वो भी प्रभावित होगा The habitat of an animal is disturbed. अगर एनिमल्स के रहने की जगह खत्म हो जाए तब क्या होगा दिनिमल प्रोवाइड इट विद ने सच है शेल्टर फूड एंड प्रोटेक्शन जो किसी भी एनिमल की रहने की जगह होती है उसे वहां सारी अपनी जरूरतें मिलती है जैसे रहने की जगह फूड प्रोटेक्शन सुरक्षा मिलती है दूसरी जगह पर जाना पड़ेगा इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर फूड के लिए और शेल्टर की तलाश में द एनिमल कुम इन दिस प्रोसेस और ऐसा होने में दूसरे एनिमल्स उस एनिमल को मार सकते हैं

दिस टाइप ऑफ सॉयल इज लेस फर्टाइल ऐसी सॉयल उपजाऊ नहीं होती एज इट कंटेन लेस ह्यूमस क्योंकि उसमें ह्यूमस नहीं होता कंटिन्यूड सॉइल इरोजन जो लगातार भूमि का कटाव है विल मेक द लैंड बैर एंड अनफर्टाइल उससे भूमि बंजर हो जाएगी और वो फर्टाइल भी नहीं रहेगी अब हमें इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं वाई शुड वी कंजर्व बायोडाइवर्सिटी हमें बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व क्यों करना चाहिए वी शुड कंजर्व बायोडाइवर्सिटी बायोडाइवर्सिटी मतलब आ, समझते हो बायो का मतलब होता है लाइफ डाइवर्सिटी का मतलब विभिन्नता जो विभिन्न प्रकार का जीवन है हमें उसे कंजर्व क्यों करना चाहिए बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म क्योंकि सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए वो बहुत जरूरी है एंड फॉर द एनवायरमेंट और एनवायरमेंट के लिए भी कंजर्व बायोडाइवर्सिटी टू सेव इट फ्रॉम बिकमिंग एक्सटिंग हमें बायोडाइवर्सिटी के इसलिए भी लिए कंजर्व करना चाहिए ताकि उसे खत्म होने से बचाया जा सके प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट आर ऑल्सो नॉट कम्प्लीटली सेफ फॉर वाइल्ड एनिमल्स जो सुरक्षित फॉरेस्ट है वो भी वाइल्ड एनिमल्स के लिए सुरक्षित नहीं है क्यों प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट आर नॉट कम्प्लीटली सेफ फॉर वाइल्ड एनिमल्स जो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है वो भी वाइल्ड एनिमल्स के लिए पूर्ण रूप से सुरक्षित नहीं है बिकॉज पीपल हु लिव नियर और टू फॉरेस्ट क्योंकि वो लोग जो या तो फॉरेस्ट में रहते हैं उनके पास रहते हैं यूज रिसोर्सेज फ्रॉम फॉरेस्ट फॉरेस्ट वो forest की चीजों का यूज करते हैं टू फुलफिल देयर ओन रिक्वायरमेंट अपनी आवश्यकता को पूरा करने के लिए फुलफिल का मतलब होता है पूरा करना पूरा करना और रिक्वायरमेंट होता है नीड्स अपनी आवश्यकता इन दिस प्रोसेस इस प्रोसेस में वाइल्ड एनिमल्स आर किल्ड जो वाइल्ड एनिमल्स है वो मारे जाते हैं एंड सोल्ड फॉर ल्यूक्रेटिव अमाउंट ऑफ मनी ल्यूक्रेटिव का मतलब होता है आकर्षक यानी कि ज्यादा पैसे के लिए उन्हें बेच दिया जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन है सम ट्राइबल डिपेंड ऑन द जंगल कुछ ट्राइबल ट्राइबल कैसे किसे है ट्राइब आ, जो होते हैं वो जंगल में रहने वाली जातियां होती हैं जो लोग जंगल में रहते हैं तो उनका जीवन जंगल पे कैसे डिपेंड करता है ये बताना है हमें ट्राइबल्स गैदर फूड फूडर एंड फॉरन ब्रांचेज ऑफ ट्रीज फ्रॉम फॉरेस्ट जो ट्राइबल पीपल होते हैं वो फॉरेस्ट में से ही अपना खाना फोर्डर पशुओं के लिए चारा और जो गिरी हुई ब्रांचेस होती हैं ट्रीज के वो इकट्ठा करते हैं डिपेंड ऑन फॉर रिक्वायरमेंट तो जो उनके डेली की रिक्वायरमेंट है, है उसके लिए क्या कारण है क्या उसका परिणाम होता है द मेन कॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन इज ग्रोइंग अर्बे अर्बनाइजेशन का मतलब है शहर बनना एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन इंडस्ट्रीज लगाना ये दो मेन कारण है नीड फॉर मोर लैंड इसे क्या होता है ज्यादा से ज्यादा लैंड चाहिए, चाहिए उसके लिए क्या करना पड़ता है फॉरेस्ट काटने पड़ते हैं अब ये तो है कारण दो कारण याद रखिए अर्बनाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन अब इसका परिणाम क्या होता है सॉइल इरोधन भूमि कटने लगती है जब फॉरेस्ट कट जाते हैं डिप्लीशन ऑफ ग्राउंड वाटर जो जमीन में पानी होता है वो क्योंकि पानी बहके चला जाता है जब पेड़ नहीं होंगे तो ट्रीज नहीं होंगे तो ग्राउंड वाटर लेवल कम हो जाता है तो ग्राउंड वाटर का डिप्लीशन हो जाना हट जाना खत्म हो जाना फ्लैश फ्लड और बाढ़ आती है ग्लोबल वार्मिंग और ग्लोबल वार्मिंग यानी के पूरे वर्ल्ड में ही टेम्परेचर राइज होता है वॉट इज रेड डेटा बुक ये क्या होती है रेड डाटा बुक इज ए सोर्स बुक ये सोर्स बुक है एक दैट मेंटेन्स इंटरनेशनल लिस्ट ऑफ ऑल एनिमल एंड प्लांट स्पीशीज जिसमें कि जितने भी ऐसे एनिमल्स और प्लांट स्पीशीज हैं जिनका जीवन खतरे में है डेंजर में है उनकी लिस्ट है ये पूरे वर्ल्ड की लिस्ट है वट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म माइग्रेशन माइग्रेशन का मतलब ही होता है एक जगह से दूसरी जगह जाना माइग्रेशन रेफर टू द मूवमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म और ए ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनिज्म फ्रॉम इट्स नेचुरल हैबिटेट टू प्लेस कि जो भी organism है या ऑर्गेनिज्म का ग्रुप है उनका एक नेचुरल हैबिटेट से दूसरे में जाना एट ए पर्टिकुलर टाइम एवरी ईयर प्रत्येक साल किसी पर्टिकुलर टाइम पे जैसे बहुत सारे बर्ड्स हैं फिश हैं वो पर्टिकुलर टाइम पर Uh, जब उनके लिए क्लाइमेट वहां की सुटेबल नहीं होती तो वो दूसरे एरियाज में चले जाते हैं ये कहलाता है माइग्रेशन इन ऑर्डर टू मीट द एवर इंक्रीजिंग डिमांड इन फैक्ट्रीज एंड फॉर शेल्टर ट्रीज आर बींग कंटिन्यूली कट जो फैक्ट्रीज के लिए बढ़ती हुई डिमांड है शेल्टर के लिए डिमांड है उसके लिए ट्रीज को काटा जा रहा है इज इट जस्टिफाइड टू कट ट्रीज फॉर सच प्रोजेक्ट घरों के लिए फैक्ट्रियों के लिए क्या ट्रीज का काटना सही ठहराया जा सकता है जस्टिफाइड का मतलब सही ठहराना डिस्कस एंड प्रिपेयर ए ब्रीफ रिपोर्ट नो इज नॉट एट ऑल जस्टिफाइड टू कट ट्रीज बिल्कुल भी सही नहीं ठहरा सकते जस्टिफाई नहीं कर सकते कि ट्रीज को काटा जाए टू मीट द एवर इंक्रीजिंग डिमांड ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ रही है पॉपुलेशन बढ़ रही है तो लोगों की रिक्वायरमेंट बढ़ रही है और उस रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए फॉरेस्ट कट रहे हैं ये जस्टिफाई नहीं किया जा सकता फॉरेस्ट फॉरेस्ट ऑफ सेवरल इंक्लूडिंग एनिमल्स। बहुत सारे जीवित प्राणियों के जिसमें की वाइल्ड एनिमल्स भी शामिल है उनका घर है उनके रहने की जगह है दे प्रोवाइड विद गुड क्वालिटी ऑफ एयर वो हमें एयर की अच्छी क्वालिटी वाली एयर देते हैं एज दे गिव आउट ओ टू क्योंकि वो ऑक्सीजन देते हैं एन एफ दुल सीओ टू और कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं एटमोस्फेयर में से इन द प्रोसेस इस प्रोसेस में दे प्रिवेंट एक्सेसिव हीटिंग ऑफ द एटमोस्फेयर Uh, जो एटमॉस्फेयर की बहुत ज्यादा हीट हो जाने की uh, संभावना होती है वो कम हो जाती है क्योंकि सीओ टू से गर्म होता है ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है सीओ टू प्लांट ले लेते हैं तो uh, इतनी हीटिंग नहीं होती है दे प्रिवेंट सॉइल इरोजन जो ट्रीज है वो भूमि के कटाव को रोकते हैं प्रिवेंट का मतलब रोकना एंड नेचुरल कैलामिटीज जो प्राकृतिक डिजास्टर्स है उनको रोकते हैं जैसे कि फ्लड है ड्रॉट्स है इनको रोकते हैं दे इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं एंड हेल्प कंजर्व बायोडाइवर्सिटी और जो बायोडाइवर्सिटी है उसे मेंटेन रखते हैं द द कटिंग ऑफ ऑफ फॉरेस्ट टू मीट ग्रोइंग ह्यूमन पॉपुलेशन अगर बढ़ती भी मनुष्य की जनसंख्या के लिए पेड़ों को काटा जाता रहेगा तो इससे विल लीड टू ग्लोबल वार्मिंग ग्लोबल वार्मिंग होगी सॉइल इरोजन भूमि का कटाव होगा ग्रीन हाउस इफेक्ट होगा

आपके मोहल्ले में जो भी ग्रीन वेल्थ है यानी कि पेड़ पौधे हैं उनकी मेंटेनेंस के लिए आप क्या कर सकते हैं क्या करेंगे? We can grow new plants in our locality. हम नए नए प्लांट लगा सकते हैं वाटर देम रेगुलरली केयर ऑफ देम एंड टेक केयर ऑफ वाटर देना चाहिए उनको और उनकी देखभाल करनी चाहिए द एग्जिस्टिंग प्लांट शुड बी प्रॉपरली नरिश्ड जो मौजूदा प्लांट्स हैं, उनको अच्छे से पालन पोषण उनके देखभाल देख करनी चाहिए awareness. Awareness क्या होता है जागरूकता और हमें अवेयरनेस लानी चाहिए लोगों के बीच में इन द लोकेलिटी अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ ग्रोइंग ट्रीज के ट्रीज के ग्रो करने की क्या इंपॉर्टेंस है इसके बारे में उन्हें जागरूक करना चाहिए एक्सप्लेन हाउ डिफोरेस्टेशन लीड टू रिड्यूस रेनफॉल पेड़ों के जंगलों के to form clouds. और उससे वो एवापोरेट होती है जिससे की बादल बनते हैं डिफोरेस्टेशन लीड टू कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज जबकि डिफोरेस्टेशन से पेड़ों को काटा जाता है एज ए रिजल्ट लेस वाटर इज एब्जोर्ड फ्रॉम द सोयल सोयल कम पानी सोखती है एंड इट डिस्टर्ब द वाटर साइकिल जिससे कि वाटर साइकिल डिस्टर्ब हो जाती है द फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड बिकम डिफिकल्ट बादलों का बनना ही डिफिकल्ट हो जाता है विच लीड टू रिड्यूस रेनफॉल जिससे बारिश ही कम होती है वाई शुड पेपर बी सेव पेपर हमें क्यों बचाना चाहिए

ट्रीज एज वी नो आर इम्पोर्टेंट टू मेटेन ए बैलेंस ऑफ नेचर नेचर में बैलेंस बनाने के लिए ट्रीज बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है देर फॉर इन ऑर्डर टू सेव ट्रीज इसलिए ट्रीज बचाने के लिए एंड टू प्रिवेंट द इम्पैक्ट ऑफ द लोस ऑन लिविंग ऑर्गेनिज्म और लिविंग ऑर्गेनिज्म पर उसके लोस को कम करने के लिए वी नीड टू सेव पेपर हमें पेपर बचाना चाहिए कैसे बचा सकते हैं कलेक्ट यूज पेपर एंड रिसाइकिलोसाइकिल करो रिसाइकिल प्लांट होते हैं उनमें फिर पेपर बन जाता है यूज बो साइड ऑफ पेपर फॉर राइटिंग लिखने के लिए दोनों साइड का पेपर यूज करो स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ पेपर पेपर की इंपॉर्टेंस के बारे में जागरूकता लाओ यूज पेपर इंटेलिजेंटली और पेपर का यूज बुद्धि से करो मतलब कहने को मतलब जब जरूरी हो तभी करो आई होप कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा तो एक लाइक तो बनता है और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि आपको मेरी अपकमिंग वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे थैंक यू